हेलो क्लास एट. सो यू आर इन चैप्टर थ्री एंड इट इज अ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. अब वापस हम मिनरल्स और पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोयल के बारे में, जो हमें पावर देते हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं. पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फॉर द स्क्विगिंग बूथ बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. अब क्या है कि पेट्रोल वही है जो आपकी कार को चलाती है. कार, आप एग्जांपल कार का लीजिए, बाइक का लीजिए, या जो पेट्रोल से चलती है, और किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. और जो साइकिल होती है ना, उस पर जो अपन ऑयल डालते हैं ब्लैक कलर का, वो भी पेट्रोलियम से ही आता है. क्लियर? सो इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. ये चट्टानों की लेयर्स, चट्टानों की सतहों के बीच में मिलता है. सो इट्स फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफशोर्स एंड द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरिया, समुद्री तट पर, और या फिर किसी स्पेसिफिक एरियाज पर पेट्रोल मिलता है. क्लियर? दिस इज देन सेंट टू द रिफाइनरीज. अब जब जहां से पेट्रोल ड्रिल आउट करके निकाला जाता है, पेट्रोल निकालने के बाद में उसको रिफाइनरी भेजा जाता है. ठीक है? पर जो पेट्रोल निकाला जाता है वो पेट्रोल उस फॉर्म में नहीं होता जो आप स्कूटी, एक्टिवा या फिर अपनी कार के अंदर भरवाते हो. वो एक बहुत ही ब्लैक और थिक फॉर्म के अंदर निकलता है. ठीक है? फिर उसको जिस पाइपलाइन के थ्रू उसको रिफाइनरी के पास में भेजा जा रहा है, जो उसको रिफाइन करती है, फिल्टर करती है, वो उस पाइप का स्पेसिफिक, वो कोई नॉर्मल पाइप नहीं होता है, उसका टेम्परेचर होता है, और उस पाइप के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको आगे भेजा जाता है. ठीक है? और बीच में कई सारे स्टेशन होते हैं जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, उस पर इंजीनियर्स बैठते हैं. ठीक है? सो वो पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरीज तक भेजा जाता है. अगर रिफाइनरी दूर है तो, या अगर ऐसा तो है नहीं कि जहां पेट्रोल निकल रहा है वहीं पर रिफाइनरी लगा दी, फिर भी कुछ डिफरेंस तो होगा ही. अगर ऐसा उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाए तो वो क्रूड जो अंदर से निकाला है वो जम जाता है, वो थिक हो जाता है, पाइपलाइन में जो है वो फंस जाएगा. सो ऑफशोर्स एंड द कोस्टल एरिया, दिस इज देन सेंट टू द रिफाइनरीज व्हिच प्रोसेस द क्रूड ऑयल. अब ये जो पेट्रोल एक्चुअल में क्रूड ऑयल क्या हो गया? रॉ हो गया. मतलब इस क्रूड ऑयल से कई सारे चीजें रिफाइन होकर निकलती है और उसमें से पेट्रोल एक है. ठीक है? क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. और इस क्रूड ऑयल से कई सारी चीजें बनती है, और वो क्या क्या है, कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स है, प्लास्टिक है, और लुब्रिकेंट्स है. लुब्रिकेंट्स मतलब कि जैसे बॉल बेरिंग के बीच में, या फिर आपकी साइकिल के चेन के अंदर, या फिर लुब्रिकेंट मतलब इंजन के अंदर जो अपन ऑयल डालते हैं वो लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है. ठीक है? सो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोल और उसके जो विविध कई चीजें निकलती है इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. कई सारी वेराइटीज निकलती है उसमें से, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल. और ये बहुत वैल्यूएबल है. ठीक है? जैसा कि आप सब जानते ही है, द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, चीफ सबसे ज्यादा प्रमुख जो पेट्रोल निकलता है वह ईरान, सऊदी अरब और कतर, यहां से निकलता है. और अदर मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं, और दूसरे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, यूएसए, रसिया है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है. सो द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया के अंदर जो है, इन इंडिया के अंदर जो है वो डिगोई है, इन आसाम है, मुंबई हाई जो कि समुद्र के, मुंबई हाई इन मुंबई जो कि समुद्र के अंदर है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा पर भी पेट्रोल निकाला जाता है. इंडिया की बात कर रहे हैं. नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट्स, पेट्रोल के साथ में ही ज्यादातर नेचुरल गैस निकलती है, क्लियर? क्योंकि जब रॉक्स के अंदर ऑयल होता है तो उसके अंदर जो गैसेस होती है वो हीट और प्रेशर के रीजन से जो है वो उसमें से गैस रिलीज होती है जो एक लेयर में जम जाती है, वो उस लेयर तक आकर रुक जाती है, वही नेचुरल गैस है, क्लियर? सो डिपोजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, और जब क्रूड ऑयल को सरफेस पर निकाला जाता है तब उसके साथ वो रिलीज होती है। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यह घरेलू या फिर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, बिजनेस के लिए जब वह प्रोसेस होती है चीजें अलग अलग, उनके लिए एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। सो रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचुरल गैस, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जहां से नेचुरल गैस निकलती है। इन इंडिया जैसलमेर एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो कि पेट्रोल में भी आया है, और त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ सोर्स इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, वहां यहां पर भी नेचुरल गैस मिलती है। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन, बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जो नेचुरल गैसेस को मतलब अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास में इनफ नेचुरल गैसेस हैं। द शार्प इंक्रीज इन अर्थ द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो हो रहा है has led to there the depletions at the alarming rate. अब वह अलार्मिंग रेट पर पहुंच गया, मतलब खतरे की घंटी बजने लगी है कि अब ये जिस रेट में आप उसको, जिस प्रतिशत में आप हम उनको यूज कर रहे हैं उतना वो बचा नहीं है, ठीक है? सो अलार्मिंग रेट द टॉक्सिक पॉल्यूशन एंड द टॉक्सिक पॉल्यूट्स रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर द कंसर्न। अब इन फ्यूल्स का जब यूज करते हैं तो इससे सीधी सी बात है पॉल्यूशन निकलता है, ये चीज भी एक परेशानी का कारण है। सो अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। अब जिस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और बिना केयरलेसली बिना किसी सोच के साथ में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो फिर धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो समाप्त हो जाएंगे। सो दिस हैड लीड टू अ टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशियल, अब ये कितनी बार आ गया है कि अब हमें गैर परंपरागत, कन्वेंशियल मतलब परंपरागत ये, और गैर परंपरागत जो एनर्जी रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के क्या होंगे, अल्टरनेटिव होंगे, विकल्प होंगे, ठीक है? अब जैसे नेक्स्ट है जो है हाइड्रल पावर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में